हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक इम्पोर्टेंट रीजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। उस रीजन का नाम क्या है, ऊपर देख रहे हो आप, क्लेमेंसन रिएक्शंस। ठीक है, इस रिएक्शंस में रीजन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जिंक मेटल प्लस मरकरी। क्या यूज करते हैं बताइए, जिंक मेटल प्लस मरकरी अलोंग विद कंसंट्रेट HCl। ये जो मिक्सचर बनता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्लेमेंसन रीएजेंट की, तो वो क्लेमेंसन रीएजेंट आप देखिएगा क्या है, जिंक और मरकरी प्लस कंसंट्रेट HCl। तो चलिए सबसे पहले तो आप नोट करिए कि भाई क्लेमेंसन रीएजेंट क्या होता है, वो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, नोट करिए इसको, जिंक एमलगम अलोंग विथ मरकरी। लिखिए लिखिए, नोट करिए बच्चों, क्या लिख सकते हो भाई, तो ये रहा जिंक एंड Hg, जिंक एमलगम अलोंग विथ कंसंट्रेट HCl आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा काम कर रहा है बताइए, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है सर, कैसा काम कर रहा है बताइए बच्चों, ये देखिएगा एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसका वर्क फंक्शन क्या है सर, वो बता दो, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, किस में रिड्यूस करता है, वो चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। इन रिएक्शंस को भी हम लोग आगे फॉरवर्ड देखेंगे। तो चलिए आ जाइए, क्लेमेंसन रिडक्शन जो रिएक्शंस हो रही है, क्लेमेंसन जो रिएजेंट्स है वो क्या करता है, तो वो नोट कर लीजिए यहां पर नोट में, क्लेमेंसन रिएजेंट बताइए, क्लेमेंसन रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड। नोट करिए बच्चों, एल्डिहाइड स्लैश में आप कीटोन भी लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड या स्लैश में कीटोन इनटू एल्के। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है बताइए बच्चों, ये जो क्लेमेंसन रिएजेंट है एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको CH2 यानी कि एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए आ जाइए, कुछ रिएक्शंस नोट करिएगा। जैसे यहां पर देखिएगा बच्चों, हमने कहा कि भाई मेरे पास क्या हुआ है, यहां पर गिवन है एसीटोन, गिवन है क्या, गिवन है बताइए बच्चों, एसीटोन गिवन है, और आपका क्लेमेंसन रिएजेंट क्या है, तो जिंक एमलगम, बताइए क्या है बच्चों, जिंक एमलगम, तो ये रहा जिंक और ये रहा साथ में मरकरी, तो इसको आप लोग बोलोगे जिंक एमलगम, और इस लैस में करके क्या गिवन होगा, कंसंट्रेट HCl। यहां पर ना लिख करके नीचे भी लिखा मिल सकता है आपको HCl, तो इसका मतलब आप दोनों बात एक ही है, तो ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे बात एक ही है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जिंक क्लेमेंसन रिएजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 में, बताइए किसमें कन्वर्ट करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप को, सर CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो आ जाइए आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बताइए बच्चों, CH2 CH3 प्रोपेन आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए एक दो और रिएक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, आइए आइए बच्चों, देखिए पहला रिएक्शन था, दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये रहा आपका बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, और इसको आप किससे यूज कर रहे हो, तो क्लेमेंसन रिएजेंट यूज कर रहे हो, देखिएगा तो आप क्या रखोगे सर, जिंक HG और नीचे आप रख दो HCl, यहाँ पर देख रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए बताइए, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये completely toluene में कन्वर्ट हो गया है। I hope आप लोगों को इतना समझ में आ जाए। चलिए कुछ यहाँ पे examples given है उनको भी देख लीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि क्या है, क्लेमेंसन रिएजेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ पर होने वाला है, तो देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर क्या है देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये इसका काम क्या है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को CH2
में कन्वर्ट कर देगा, और कोई काम इसका नहीं है। यानी कि आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना आसान हो गया है, बस आपको इसका वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। तो सर वर्क फंक्शन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर वर्क फंक्शन इसका क्लेमेंसन रीएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनटू एल्केन। एल्केन इन द सेंस कि मेथिलीन ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए आ जाइए इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कार्बोनिल ग्रुप CH2 में। सर आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर ये रहा सर CH2 और ये रहा आपको CH3। डन गाइस, समझ में आ गया आप? चलिए सर, यस सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये रहा आपका OH, पहला OH, ये OCH3, तो ये सर OCH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिएगा कार्बोनिल ग्रुप है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 एंड देन CH3। ये वाला जो ग्रुप है आप देखिएगा यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये सिर्फ CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये आपका CH3 और यहाँ पर NO2 एज इट इज रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH2 और ये आपका 5 मेंबर साइक्लिक रिंग हो गया। आई होप इतने एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।